शहर के दीक्षा भूमि परिसर में स्थित गवर्नमेंट चित्रकला महाविद्यालय में हर साल की तरह इस साल भी फाइन आर्ट के छात्रों द्वारा बनाए हुए चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 3 दिन चलने वाली इस प्रदर्शनी में चित्रकला की बेहतरीन कलाकृतियों को देखने का यह मौका शहरवासियों को मिला है। हर साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट चित्रकला महाविद्यालय की ओर से महाविद्यालय के छात्रों द्वारा बनाई गई चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। महाविद्यालयों में पढ़ रहे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट के छात्रों द्वारा इन सभी कलाकृतियों को पेश किया गया है। इनमें अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, इन सभी चित्र प्रकारों को शामिल किया गया है। इस प्रदर्शनी में भारी मात्रा में शहर के नागरिक व छात्रों की मौजूदगी रहती है। चित्रकला सीख रहे सभी छात्रों के लिए अपनी कलाकृति दिखाने का यह एक बेहतरीन मौका समझा जाता है, जिसे छात्रों के बड़े मेहनत और लगन के साथ पूरा करते नजर आते हैं। मेरा नाम कल्याणी उपाध्याय है और मैं यहीं पे BFA पेंटिंग की छात्रा हूँ और यहाँ पे MFA सेमेस्टर में यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे हर साल एनुअल एग्जीबिशंस होता है जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स के एग्जीबिशन के में सारे एग्जीबिशंस में हर एक इसके वर्क्स लगते हैं, जैसे अप्लाइड आर्ट है, पेंटिंग है और ATD डिपार्टमेंट भी यहाँ पे है। तो हमारे ये MFA फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है एंड इसमें सारे लोगों ने अपने अपने वर्क्स डिस्प्ले किए हुए हैं। सो ये मेरा वर्क है। हाँ जी, ऐसा रहता है कि हम साल भर जो भी मेहनत करते हैं, जो भी वर्क हम करते हैं, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है और ये इसका अट्रैक्शन यही है कि हर एक अलग अलग कलाकृतियाँ आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। स्कल्पचर है, पोर्ट्रेट है और पेंटिंग्स है, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलते हैं। कैमरा पर्सन सुशांत मिश्रा के साथ प्रणीता शिरपुरकर की रिपोर्ट, सिटी विदर्भ न्यूज़ के लिए।